कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने ये जो महारानियां थी झुपड़ों में रहती थी महलों में उनको बाहर सड़क पे ला करके इन लोगों के सामने हाथ जुड़वा दिए। नफरत देखो तो अभी भी कितनी चुस्त दुरुस्त और पुर असर है हमारी सदी की नफरत, कितनी आसानी से चूर चूर कर देती है बड़ी से बड़ी रुकावटों को, कितनी फुर्ती से झपट कर हमें दबोच लेती है। यह दूसरे जज्बों से कितनी अलग है, एक साथ ही बूढ़ी और एक साथ ही जवान भी, यह खुद उन कारणों को जन्म देती है जिनसे पैदा हुई थी। और अगर यह सोती भी है तो हमेशा के लिए नहीं, निद्राहीन रातें इसे थकाती नहीं बल्कि और तरोताजा जवान कर देती हैं। यह मजहब हो या वह जो भी जो इसे जगा दे, यह देश हो या वह जो भी इसे उठा दे, इंसाफ भी तभी तक अपनी राह चलता है जब तक कि नफरत उसकी दिशा नहीं बदल देती। क्या आपने देखा है कभी इसका कामोन्माद की विकृत मुद्राओं वाला सा चेहरा? ओह, दूसरे जज्बात इसके सामने कितने मिमियाते हुए, कितने लाचार नजर आते हैं। क्या भाईचारे के नाम पे भी कभी किसी ने भीड़ जुटाई है? क्या करुणा से भी कोई काम पूरा हुआ है या संदेह किसी फसाद की जड़ बन सका है? यह ताकत सिर्फ नफरत में है। ओह इसकी प्रतिभा, ओह इसकी लगन। पोलैंड की प्रसिद्ध कवयित्री मेरी फेवरेट विश्वाव सिम्बोर्स्का की कविता नफरत से आज का पार्लियामेंट कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। शुरुआत में आपने एक 2 सेकंड का वीडियो देखा होगा जिसमें राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हेमाराम चौधरी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस काश डेवलपमेंट करती, कांग्रेस काश उन मुद्दों पे काम करती, उन बुनियादी मुद्दों पे शिद्दत से जिनके लिए लड़के चीख रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रोत चीख रहा है और इधर रविंद्र सिंह भाटी चीख रहा है, जो उसकी चीख कहीं आपके गले में अटक रही है। मैंने कहा ना, नफरत एक साथ बूढ़ी भी और जवान भी, मतलब कि एक साथ हेमाराम चौधरी भी हो रही है नफरत और दूसरी तरफ जवान यानी कि कैलाश चौधरी भी हो रही है। यह नफरत जो है, एक और ऑडियो आप सुनिए जिसमें जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हो रही चयन प्रक्रिया यानी कि चुनाव में इस तरह की भाषा को अगर नफरत नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। मैं भी अम्बेदाराम जी का समर्थक हूँ, हूँ नहीं, मजबूरी में बन गया, लेकिन अपने को एक होकर के, क्योंकि कैलाश जी पिछड़ रहे हैं तो अमित जी का साथ देना जरूरी हो गया, नहीं तो ये छोटा सा बिच्छू था वो छोटा सपोला बन गया, अब ये नाग बन जाएगा। नाग के फन को कुचलना है तो आपको सभी जाट समाज को तो एक होना ही है, दूसरी समाज के आगे भी झोली फैलानी है, अपने हर गांव गली में बैठे अपने साथ दूसरे समाज के भाई बंधु है उनको भी अपना बनाना जरूरी है। तो जैसा विश्वास सिम्बोर्स्का अपनी कविता में कहती है कि भाईचारा भीड़ नहीं जुटाता, ये प्रतिभा सिर्फ नफरत में है, और इसी लाइन को आधार मान के आज के या अब तक राज करते रहे नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और उम्र के उत्तरार्ध में आए हुए हैं ये बुजुर्ग नेता अब बड़ा ठिठके हुए से खड़े हैं कि उन्हें जनता के सम्मान की राह बुलावा क्यों नहीं दे रही, क्यों छोटे छोटे जो बच्चे थे वो आगे निकल जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिसका ऑडियो मैंने सुनाया, वो व्यक्ति कहा जा रहा है कि बड़ा अधिकारी रहा है, लेकिन भाषा देखिए कि शिक्षा जैसे विभाग में रहा हुआ ये अधिकारी जिसने सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का भविष्य गढ़ा होगा तो किस घृणित सोच के साथ गढ़ा होगा। यह केवल बात बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की नहीं है, अगर बात की जाए कोटा लोकसभा क्षेत्र की, जहां शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल आपस में उलझते नजर आए। शांति धारीवाल ने सेकुलरिज्म की बात कही कि आप नफरत फैलाते रहे, प्रहलाद गुंजल उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अभी तक बात नहीं आई कि कौन है वो जो गरीब के हक के निवाले
उनके मुंह तक नहीं पहुंचने दे रहा। उन उस उसको हम ढूंढेंगे। काश कांग्रेस वह काम करती कि हाथ जुड़वाना, चलो ठीक है आपने जुड़वा लिया, अब जनता कह रही अब क्या करें, अब तो रोटी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, आज से 125 साल पहले की बात है, तो उनका बड़ा स्पीच फेमस है कि अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आपने सुना होगा। पहले दिन वो तो वेलकम स्पीच था, मूल स्पीच तो चौथे दिन था, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरब के लोगों की जरूरत धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें चाहिए रोटी। वो अपने भूखे कंठों से गुहार लगा रहे हैं, रोटी भूख, और आप उनके हाथों में पत्थर पकड़ा रहे। क्या हम ऐसा ही लोकतंत्र गढ़ रहे हैं और ऐसी ही पार्लियामेंट बना रहे हैं? ये मेरे पास जो पार्लियामेंट के ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट रखा हुआ है, ग्रुप ऑफ ऑल्स कॉल पार्लियामेंट। तो चुनाव जो है वो अब अलग जोनर में जा रहा है। इन मामलों में अक्सर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। मेरी अपील है कि जो बेचारे सीधे साधे सहज लोग हैं, भले आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन नेताओं के झांसों छलाओं में न आए, क्योंकि चुनाव आयोग के मुकदमे बड़े खतरनाक होते हैं। न तो सोशल और डिजिटल मीडिया पर नफरत फैलाएं और न ही नफरत फैलने दें। क्यों? क्योंकि चुनाव एक आध महीने के, उसके बाद आपको हमें साथ रहना है। भाजपा कांग्रेस के बीच कितना प्रेम है उसकी बानगी कैलाश चौधरी दिखाते हैं। पत्रिका में छपी हुई इस खबर को पढ़िए, आप पढ़ेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी बाड़मेर के विधानसभा चुनाव में, पूरे राजस्थान में सबसे वोट कहां मिले भाजपा को? कम, तो वो बाड़मेर है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी खुद कैलाश चौधरी ने ली है, उन कैलाश चौधरी ने जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कृषि राज्य मंत्री बना रखा है। और पूरे मारवाड़ की राजनीति में अगर भाजपा के दो बड़े चेहरे हैं तो उनमें एक गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरे कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी पार्टी, देश या जो भी है, तमाम निष्ठा वगैरह उसको किनारे रखते हैं और जाति के नाम पे वहां जाते हैं। केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। या तो आप कायर हैं या क्रूर हैं। तो चूंकि आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो कायर तो निश्चित तौर पर नहीं हो सकते। तो क्रूरता की हद जो है वो नफरत की पराकाष्ठा पैदा करती हैं और जातीय धार्मिक उन्माद पनपने की स्थितियां आ जाती हैं पार्लियामेंट में। आर्ट ऑफ वार एक किताब है जिसमें सुन जू लिखते हैं, कई तरीके बताते हैं वो युद्ध जीतने के, कई तरीके, जिसमें आग लगाना भी उन्होंने एक तरीका बताया है। वो भौतिक युद्ध हुआ करते थे, आज आग लगाई जा रही है समुदायों के बीच, जातियों के बीच। जो जातियां साथ रहती थी वो जातियां अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। उन जातियों में से कितने लोग एमएलए एमपी बने, कितने लोग सरपंच वार्ड पंच बने, बहुधा लोग ठिटके हुए से खड़े हैं। क्या हम वाकई में पहले इसी तरह लड़ते थे, या हमारे बीच एक साझा संस्कृति पनपती थी और उस संस्कृति पे हमें नाच था, हमें दुनिया आश्चर्य करती थी। तो बाड़मेर जैसलमेर जो कि बड़ा शांत सरल इलाका था, रिफाइनरी क्या आई, पैसा क्या आया, वहां के नेताओं के पास एक पावर आया लोगों को रोजगार देने का, ठेका देने का, कमीशन ले लेने का, और उस पावर के लिए एमएलए एमपी बना रहना। मैंने बताया था ना लोकतांत्रिक राजा के चार धर्म, पहला धर्म राजा बनना, दूसरा धर्म राजा बने रहना, तीसरा धर्म किसी और को राजा ना बनने देना, और चौथा जो बनने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ इतनी नफरत फैलाओ कि वो कोशिश करना ही छोड़ दे। तो लोकतंत्र अवसर की देन का नाम है। आप देखें आपसी जहां, और ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को टारगेट करते हैं, पावर है, जाति जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप झुंझुनू में देखें तो वो चीज, झुंझुनू में जब एक दिन पहले जो श्रवण चौधरी पूर्व प्रत्याशी फतेहपुर और मौजूदा जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, शुभकरण चौधरी, उनकी सभा में जो हुआ जिसमें आरोप लगा रहे हैं फूल मधुसूदन भिंडा पे और नंदकिशोर महरिया पे, तो मामला पावर का है। सत्ता में रहने के लिए आपको कुछ भी करना है, पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए। तो जो पार्लियामेंट बुद्धिमानों का समूह कही जाती है वो अब किसका समूह बनने जा रही है? मसलन कि उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर में खड़े हैं लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे, आरएलपी से कांग्रेस में आए हैं, विचारधारा उन्होंने बदली है, पार्टियां बदलना कोई बड़ी वो बात नहीं है। लेकिन आप प्रत्याशी के तौर पे आए व्यक्ति को किस तरीके से आप वेटेज देंगे,
क्या किसी का बागी खड़े हो जाना बिच्छू से सांप होने की कोशिश करना है, सपोला होने की कोशिश करना है, और उसका जीत जाना नाग होने की कोशिश हो जाना? ये भाषा जो है इस पे बात होनी चाहिए, आपको हमें बात करनी चाहिए कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और पार्लियामेंट में कैसे लोग पहुंचेंगे, क्या थानों के हिस्ट्री सीटर पहुंचेंगे पार्लियामेंट में, बंदियां लेने वाले लोग पहुंचेंगे, या वो लोग पहुंचेंगे जो तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि राजस्थान में ही सैकड़ों की संख्या में जातियां हैं और लोकसभा के पद सिर्फ 25 हैं। मैं 1951 की जनगणना देख रहा था तो मुस्लिम धर्म में 200 के आसपास जातियां, हिंदुओं में 232 के आसपास जातियां, प्रत्येक जाति का व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं सकता वहां मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से। तो जो लोग बिल्कुल पीछे रह गए, मैं अक्सर बात करता हूँ, भोपा समाज है, कालबेलिया है, नाथ जोगी हैं, बांसफोड़ समाज हैं, पाउआ हैं जो अभी भी सामान्य वर्ग में आते हैं, भील हैं, वो लोग वहीं खड़े हैं और उनकी कोई बात नहीं कर रहा। पहले नंबर की जाति वाला चाह रहा है कि दूसरे वाले से मेरा मुकाबला है, ठीक है, लेकिन तीसरे या चौथे वाला आ रहा है तो बड़ा संकट है। और अगर आप सक्षम हैं और संख्या के बल पे भी हम इस संख्या से जीत रहे हैं तो फिर डर किस बात का, और डर नहीं है तो फिर ये नफरत क्यों? और ये नफरत सभी जगह है, ये नफरत चुरू में देखने को मिल रही है राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के बीच में, जबकि प्रत्याशी देवेंद्र जाजड़िया हैं। तो दो समाज जो हमेशा से साझा संस्कृति साथ साथ रहते आए हैं, निचले स्तर पे कोई रार नहीं है, नेताओं के स्तर पे ही गलबैयां थी और नेताओं के स्तर पे ही रार शुरू हो गई। राजस्थान में यह जो स्थिति पनपने वाली, पैसा बहुत आया पहली चीज तो, लिक्विड मनी आने के कारण इस पेशे में पैसा आने के कारण बड़ा खेल, बड़े बड़े खेल हुए हैं। तो डेमोक्रेसी जो है उसको जीवित रहने के लिए क्या उपाय होने चाहिए और चुनाव निष्पक्ष हो। मुद्दों की बात नहीं हो रही, आपको आश्चर्य नहीं लगता कि चुनाव में 20 दिन बचे हैं और मुद्दे कहां हैं कि रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा, जिन मुद्दों पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है बीजेपी भी उस पर बात नहीं कर रही, कांग्रेस भी नहीं कर रही, और अगर कोई बात कर रहा है तो उसे बागी कहा जा रहा है। बागी तो वैसे तब कहा जाएगा उसे कि जब वो कोई पार्टी छोड़ के आ रहा हो। राजकुमार राउत अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं भारत आदिवासी पे, कांग्रेस को देखना है वो गठबंधन करती है नहीं करती है। तो यह जो खेल है, यह खेल बड़ा खतरनाक है, और इस खतरनाक खेल में जो है वो नफरत का पुट लगा है। तो विश्वास सिंबोर्स्का हमें याद आ गई, विश्वास सिंबोर्स्का को नोबेल प्राइज मिला था कविताओं के लिए, पोलैंड की कवयित्री, लेकिन मेरी नजर में शायद साहित्य वाले जगत में से एकमात्र कवयित्री रही जो नोबेल प्राइज लाने के लिए नहीं गई। कभी उनकी कविताओं पे आप गौर जालिए कि सांप के अगर हाथ होते तो वो ही बेदाग बताता, भेड़िए को किसी ने पछताते हुए नहीं देखा, शेर हो या जुए खून पूरी आस्था के साथ पीते हैं। ये आस्था आजकल नेताओं में पनपने लगी है, कहां तक पहुंचेगा हमारा लोकतंत्र और कैसी बनेगी हमारी पार्लियामेंट? आपके कमेंट अपेक्षित हैं। आज का जो इशू है हमने कोई हार्डकोर नहीं बना के सिंपल सा बात करने की कोशिश की है। हमें लाइक कमेंट करके बताएं कि आपका, हमें हमारा जो पार्लियामेंट शो है आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।